मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इसमें सुर्खियों में छाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को हारी हुई बाजी भी जितवा दी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया किंग मेकर बने थे, शिवराज को फिर से ताज दिलवाया था। अब खबर यह है कि सिंधिया मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और कोई बड़ा पोर्टफोलियो उन्हें दिया जा सकता है। राजनीति की नई पारी में समय आ गया है राजतिलक का। राजतिलक से पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। बाबा महाकाल के दरबार में ग्रहों की शांति के बाद पुजारी मंगल की कामना कर रहे हैं। सिंधिया राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया भगवान महाकाल की आरती उतार रहे हैं ताकि राजनीति में नई भूमिका निभाने में कोई विघ्न ना पड़े। महाकाल का दर्शन सिंधिया घराने की परिपाटी है, परंपरा है। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि ये खबर सुर्खियों में छाई थी कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। ज्योतिरादित्य का महाकाल दर्शन और फिर तत्काल दिल्ली रवानगी भी इसी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन सिंधिया ने साफ साफ कुछ कहा नहीं। अलबत्ता उनकी गहरी मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर से फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली के लिए उड़ गए। उसी समय करीब करीब तय हो गया कि मोदी मंत्रिमंडल में गुरुवार को हो रहे फेरबदल में ज्योतिरादित्य का मंत्री बनना तय है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ किया, जिस तरह हार को जीत में बदला, जिस तरह कमलनाथ सरकार के कदमों के नीचे से सत्ता खींचकर शिवराज को फिर से मध्य प्रदेश का राजपाट दिलवा दिया, अब उसके इनाम का वक्त आ गया। मार्च 2020 देश में कोरोना की पहली लहर की शुरुआत चल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सियासी लहर भी चल रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुर्सी के पाए हिल रहे थे और मध्य प्रदेश कांग्रेस और सरकार में इस भूकंप के पीछे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 11 मार्च को ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसी की वजह से कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई, कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही शिवराज सिंह के सिर पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज आ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में किंग मेकर के रूप में उभरे। विश्वास रखना, मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, यहां बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनहोनी को होनी कर दिया था, साबित कर दिया था कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दरअसल ज्योतिरादित्य ने एक तीर से दो शिकार किए थे। दिसंबर 2019 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आई तो ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। ज्योतिरादित्य और कमलनाथ के बीच कभी पट नहीं पाई। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल सिंह यादव से मात खा गए।
ज्योतिरादित्य के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ कांग्रेस थी जिसमें वो घुट रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी थी जहां उन्हें फायदा ही फायदा नजर आ रहा था। राजनीति में तो फायदा ही कायदा है, लिहाजा ज्योतिरादित्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कमलनाथ सरकार गिरवाकर उन्होंने अपना राजनीतिक बदला तो ले लिया, तो वहीं इस काम के बदले इनाम में उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य बना दिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार का मौका आया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल में शामिल होने के हकदार थे। ये पहला मौका नहीं होगा जब ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन एक मायने में पहला मौका उनके खानदान के लिए जरूर होगा, क्योंकि सिंधिया राजवंश से पहली बार कोई बीजेपी सरकार में मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।